नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संवाद भवन में वाणिज्य विभाग ने दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके संबंध में महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार मालविया ने बताया कि इनकम रिटर्न फाइलिंग पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यह है कि कॉमर्स के छात्र RTR भरना सीखें और उसकी उपयोगिता को समझें। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संवाद भवन में वाणिज्य विभाग ने दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके संबंध में महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार मालविया ने बताया कि इनकम रिटर्न्स फाइलिंग पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यह है कि कॉमर्स के छात्र RTI भरना सीखें और उसकी उपयोगिता को समझें। इसके अलावा महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी जिन्हें RTR खुद भरने में रुचि है, उनके लिए भी यह कार्यशाला आयोजित किया गया। पहले दिन की कार्यशाला में सैद्धांतिक पक्ष पर चर्चा हुई थी, जिसमें मुख्य अतिथि अविनाथ राजकीय महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार राय थे। आज कार्यशाला का दूसरा दिन है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरनाथ राय हैं। वे पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से छात्रों को ये समझा रहे हैं कि वे किसी दूसरे का RTR कैसे भर सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भर सकते हैं। इससे वे सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं, जिससे उनकी आय उनकी पढ़ाई में सहायक हो सकती है। सरकार का उद्देश्य यह है कि हमारे छात्र स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने। छात्र अपने विषय के साथ साथ व्यावहारिक पक्ष को भी जानकर स्वावलंबी बन सकते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए स्वयं कुछ पैसे अर्जित कर सकते हैं, जिससे अभिभावकों पर बोझ कम हो सकता है। तो अब ये पता चल जाएगा कि हमारा क्या इनकम है जिस पर कर लगना है और क्या हमारी टैक्स लायबिलिटी है, वो चौथे पॉइंट्स में हमको देखने को मिलेगा, जो है टैक्स पे। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। आपने क्या क्या टैक्स दिया है, कहां कहां टैक्स चुकाया है, वो सब TDS के माध्यम से या फॉर्म 26AS के माध्यम से, TIS के माध्यम से सब यहां पर अपडेट हुआ रहेगा कि इनकम टैक्स को आपने कितना टैक्स पेड किया है, उसका डिटेल। लेकिन मान लीजिए कोई चीज छूटी हुई है तो आप इसको यहाँ अपडेट कर सकते हैं। आगे बढ़े, जैसे इसको ओके करेंगे तो ये भी मामला जो है वो क्लियर हो गया। अब अंतिम पायदान पे आ गए और वह है टोटल लायबिलिटी का। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि इनकम टैक्स के ये रेट कर दिया है कि आप 30,670 रुपया रिफंड पाने के हकदार हैं। और देखो आपको बता दें, आप सबसे बढ़िया टैक्स एसेसर तब हो सकते हो जब आप अपने क्लाइंट को रिफंड दे दो। ये सोचना क्लाइंट कमाएगा, रिफंड आपको दिलवाना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार मालविया ने कहा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया, जिसका मूल उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे बच्चे जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो ITR भरना सीखें, उसकी उपयोगिता को जानें, और साथ में महाविद्यालय के जो शिक्षक कर्मचारी हैं जिनका इंटरेस्ट है कि हम ITR खुद अपना भर लें, सेल्फ डिपेंड हों, इसी उद्देश्य से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कल पहले दिन के कार्यशाला में सैद्धांतिक पक्ष था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार राय जी थे। आज दूसरा दिन है कार्यशाला का, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरनाथ राय जी हैं, जिनको अभी आपने देखा कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि आप किसी दूसरे का RTR कैसे भर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भर सकते हो, और उससे आप सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हो, ताकि उससे जो आपको अर्निंग होगी वो आपके पढ़ाई में सहयोगी होगा, इस उद्देश्य को लेकर के। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सरकार का जो उद्देश्य है कि हम अपने छात्रों को स्वावलंबी बनाएं, माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का जो संकल्प है कि हम युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाएं, उसी से प्रेरित होकर के महाविद्यालय ने एक ऐसे कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें हमारे बच्चे अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ उसके व्यवहारिक पक्ष को जानते हुए स्वावलंबी बने और अपनी पढ़ाई के लिए स्वयं वो
कुछ पैसे अर्जित करें जिससे अभिभावकों पे बोझ भी कम पड़े। डॉक्टर अभय कुमार मालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर। जनपद में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर की जांच की जाएगी। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आपको पता होगा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनपद गोरखपुर में 25,000 से अधिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे जन सहयोग, जनप्रतिनिधियों के सहयोग और आम जनता के सहयोग से लगाए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनपद में कानूनी व्यवस्था स्थापित करने और अपराध पर रोक लगाने के लिए इन कैमरों का महत्व बहुत अधिक है, जिसके परिणाम हमने एक साल में देखा है। सभी बीपीओ, हल्का प्रभारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी सूची के आधार पर उनकी सत्यापन करवाया जाए। ये देखा जाए कि सभी सीसीटीवी कैमरे चालू हालात में है कि नहीं, उनके फीड प्रॉपर आ रही है और डीवीआर में उसकी स्टोरेज हो रही है। जिस व्यक्ति या संस्थान द्वारा कैमरे लगाए गए हैं उनके भी संपर्क किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी फुटेज ली जा सके। ये पुलिस के लिए मददगार रूप में साबित होगा, जिससे आने वाले दिनों में चुनाव को भी देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे का उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जैसा कि आप अवगत हैं कि विगत एक वर्ष में त्रिनेत्र अभियान के तहत जनपद गोरखपुर में 25,000 से भी ज्यादा स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे जन सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और आम जनता के सहयोग से लगाए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था स्थापित करने हेतु और क्राइम प्रिवेंशन हेतु इन सीसीटीवी कैमरों का बहुत ही महत्व है और जिसके परिणाम हमको पिछले एक साल में देखने में भी मिले हैं। सभी बीपीओस को, हल्का प्रभारियों को, थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनकी लिस्ट के आधार पर उनका वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें। ये देखा जाए कि सभी सीसीटीवी कैमरास चालू हालत में हैं, उनके एंगल सही हैं, उनकी फीड प्रॉपर आ रही है और डीवीआर में उसकी स्टोरेज हो रही है, और जिस व्यक्ति द्वारा वो लगाए गए हैं, जिनके संस्थान पे वो लगे हैं, उनसे भी संपर्क करें ताकि समय पड़ने पर उसकी फुटेज ली जा सके और वो पुलिस के मददगार के रूप में साबित हो। ये कि आने वाले दिनों में चुनाव को भी दृष्टिगत रखते हुए और कानून व्यवस्था को भी बनाए रखने हेतु सीसीटीवी कैमरास का उपयोग किया जाएगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने निगम के सभागार में संभव दिवस के तहत जन सुनवाई की। इसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार हर मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें हर विभाग के अधिकारी उपस्थित रहते हैं और नगर निगम के आने वाली सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। उसी क्रम में आज संभव दिवस के तहत सड़क, पानी, अतिक्रमण, कर से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामले आए थे। इसके अलावा कुछ मामले जल भराव से संबंधित थे जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शासन निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं, जिसमें नगर निगम में से आने वाली सभी समस्याओं का निस्तारण कराया जाता है। आज भी मंगलवार को समर्थ दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकतर समस्याएँ अतिक्रमण को लेकर हैं, कुछ समस्याएं टैक्स बिल को लेकर हैं, कुछ समस्याएं जल भराव को लेकर हैं, तो उसको समय अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है और कार्रवाई इस पे करवाई जा रही है। जनपद में यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वहीं महाराणा प्रताप गर्ल्स इंटर कॉलेज में होम साइंस की परीक्षा आयोजित की गई। इस संबंध में होम साइंस का पेपर देने वाली छात्रा पायल निषाद ने बताया कि आज होम साइंस का पेपर था, जो उन्होंने पढ़ा था वही पेपर आया था। पेपर बहुत ही अच्छा बना था, जिसके कारण उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनकी उम्मीद है कि उन्हें अच्छे अंक मिलेंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए परीक्षा देने वाली छात्रा पायल निषाद और शालिनी ने कहा, आज हमारा होम साइंस था, जो कि हम जो पढ़े थे वो बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बना था, हमने बहुत अच्छा दिया, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। MPBIC बालिका इंटर कॉलेज पायल निषाद की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आया था पेपर, बहुत मस्त गया। शालिनी,
गांधी शताब्दी इंटर कॉलेज डेली कॉलोनी गोरखपुर। नगर निगम के परिसर में HDFC के SBL ब्रांच का महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा फीता काट कर शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि HDFC के ATM के साथ स्मार्ट बैंकिंग सिस्टम है जिसको SBL ब्रांच कहा जाएगा। ये स्मार्ट बैंक लॉबी उसी तरह की है जैसे यूरोप के कुछ देशों में देखी जाती है, जहां बैंकों में व्यक्ति नहीं रहता है, लोग जाते हैं और अपने सभी काम करके वापस आते हैं। इस नए स्मार्ट बैंक लॉबी में चेक और विड्रॉल की फैसिलिटीज को छोड़कर सभी चीजें उपलब्ध रहेंगी। ये HDFC का पहला ब्रांच है जो SBL कैटेगरी में आता है। हम इस नए शुरुआत के लिए HDFC की पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद है कि ये ब्रांच सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और HDFC सर्किल 1 के अजय कुमार गुप्ता ने कहा, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत प्रणाम। और HDFC का ये ATM नहीं बल्कि ये पूरा स्मार्ट बैंकिंग सिस्टम है, आप कह सकते हैं इसको SBL ब्रांच कही जाएगी, इसको स्मार्ट बैंकिंग लॉबी। और जिस तरह से आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा होगा कि देर इज़ मैनलेस, कोई आदमी नहीं रहता है और आप जाते हैं अपना सारा काम करके चले आते हैं, केवल चेक विदड्रॉल फैसिलिटी को छोड़ के आप जो भी चीज़ बैंकिंग से सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि HDFC का ये पहला ब्रांच है जो SBL कैटेगरी में आता है और यहाँ स्टार्ट करने के लिए इन लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, HDFC की पूरी टीम को। और मैं समझता हूँ कि ये ब्रांच सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी। ये देखिए, ये HDFC बैंक की गोरखपुर जनपद में अभी तक 31 शाखाएं हैं और ये उस 31 शाखाओं के अलावा ये पहली एक स्मार्ट बैंकिंग लॉबी है जो एक नगर निगम परिसर में आज स्टार्ट की गई है, जो कि यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं और जो सिटीजन्स हैं जो नगर निगम में विभिन्न कार्यों से आते हैं वो यहाँ पर सारी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। उसी क्रम में इसका स्मार्ट बैंकिंग लॉबी का आज यहाँ उद्घाटन माननीय महापौर जी और नगर आयुक्त सर ने किया है। लोगों को कितना लाभ होगा कि किसी भी तरह की जो बैंकिंग सुविधाएं अगर आप नगर निगम में आते हैं तो आपको कहीं और नहीं जाना, आप इसी लॉबी में आके अपने वो सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी बैंकिंग का कोई लोन लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की सुविधा लेना चाहते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, मैं सर्कल हेड हूँ HDFC बैंक।